हेलो नमस्कार, बृंदमार चरण में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की तारीख फिक्स हो चुकी है और प्रपत्र तैयार किया जा रहा है। तो 2 तारीख को अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होने वाला है। तो जिला अध्यक्ष ने क्या कहा, रविशंकर शास्त्री जी ने, इसके बारे में पूरी विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। बहुत ही बड़ी खबर है अतिथि शिक्षकों को लेकर। 16 साल का संघर्ष अतिथि शिक्षकों का काम में आया है। इनको स्थायी करने की योजना बनाई जा रही है। अतिथि शिक्षकों का वेतन डबल किया जाएगा। इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। रविशंकर शास्त्री जी से बात कराने वाला हूँ, जिला अध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ के। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी अपडेट पाने के लिए घोषणा कर दी गई है सम्राट सरकार की ओर से अतिथि शिक्षकों को 2 तारीख की महापंचायत को लेकर भोपाल में। तो सभी अतिथि शिक्षक पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और महापंचायत में भाग लेंगे। सभी को इस में लाभ मिलने वाला है, मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों को। रविशंकर जी, आज तो खुशियां ही खुशियां अंदर से, कैसा लग रहा है आज डेट आ गई है महापंचायत की, अतिथि शिक्षकों की? धन्यवाद राजदीप जी, हम सब मध्य प्रदेश के गरीब अतिथि शिक्षकों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। रक्षाबंधन, जैसा कि आपने पहले कहा कि रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हम सब मध्य प्रदेश के गरीब अतिथि शिक्षकों को बहुत बड़ी सौगात दी है जी। जैसा कि हम बता दें कि 16 वर्षों से हम सब मध्य प्रदेश के गरीब अतिथि शिक्षक इसी दिन की प्रतीक्षा में थे। आज हमारी प्रतीक्षा पूर्ण हुई और 2 तारीख को, जैसा कि आपके चैनल जन की आवाज के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि 2 तारीख को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में हम सब की महापंचायत प्रस्तावित हुई है। सो मैं मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक भाइयों से अपने कहना चाहूंगा कि जैसे हमने इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की, अब महज 2 से 3 दिन बचे हैं। उतने दिनों में हम संयम का परिचय देते हुए, धैर्य का परिचय देते हुए और अपने उन 2 तारीख की प्रतीक्षा करें, क्योंकि महज 3 दिन बचे हैं। वो हुआ इसलिए कि ग्रुपों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारे भाई आपस में ही वार्तालाप करते हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा होगा भाषा शैली होगा, भाषा शैली अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल ग्रुपों में इस प्रकार से मैसेज, आईटी शेयर, आपने भी कल कहा आईटी शेयर सरकार के शासन के संबंध में अधिकारी भी इसमें लगे हुए। वर्तमान समय में मैं आपको बता दूं कि आईटी शेयर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का है वो एक्टिव है, हर ग्रुपों में एक्टिव है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है, इसलिए हमें अपनी वाणी पर संयम रखना है और मर्यादित भाषा का ही प्रयोग करना है, क्योंकि हम शिक्षक हैं और हम समाज और राष्ट्र के निर्माता है। समाज सुधारक और राष्ट्र का निर्माता होता है एक शिक्षक। इसलिए किसी भी मध्य प्रदेश के भाई को मन में ये नहीं भावना लाना है कि मैंने 1 वर्ष पढ़ाया है, मैंने 2 वर्ष पढ़ाया है, मैंने 1 माह पढ़ाया, मैंने 5 साल पढ़ाया है, मैंने 10 साल पढ़ाया है, मेरा बीएड है, मेरा नहीं है, मैं पात्रता परीक्षा पास हूँ, मैं नहीं हूँ तो इनका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। ये मेरा और तेरा की जो भावना है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक नहीं होगा जिसको इस महापंचायत में लाभ ना मिले। लाभ निश्चित रूप से सबको मिल रहा है, यह बात मेरे को सुनिश्चित कर लेना है हम सबको, इसलिए क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम सब मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए एक रास्ता खुले। मैं बोलता हूं भले मेरा ना हो, किसी दूसरे भाई का हो जाए, किसी का हो, कल के दिन मैं भी वह पात्रता हासिल कर लूंगा यदि आज वर्तमान में मेरे पास नहीं है। तो ऐसी भावना नहीं लाना है कि इनका हो जाएगा मेरा नहीं होगा और आपस में नहीं उलझना है। मर्यादा पूर्ण सामंजस्य पूर्ण वाणी ही मुंह से निकालना है और लिखना है। अब महज 2 दिन बीच में बचे हुए हैं, इसके बाद महापंचायत है। समस्त अतिथि शिक्षक भोपाल चलने की तैयारी करें, जैसे व्यवस्था बनती है यदि माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि लगभग जिले से, हर जिले से 1 बस प्रस्तावित की है उन्होंने, लेकिन अभी संभवतः हो सकता है कि और भी साधन सुविधा बने। यदि नहीं भी करते हैं तो भी हमें अपने वाहन द्वारा अपनी व्यवस्था से भोपाल पहुंचना है
और अधिक से अधिक संख्या में जब हम भोपाल पहुंचेंगे, क्योंकि कहा गया है संघीय शक्ति कलयुग में संगठन में ही शक्ति है, जब हम भारी संख्या बल के साथ वहां पर पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को मानने के लिए बिल्कुल प्रसन्नता से हमारी मांगों को मान लेंगे। हमारी टीम लगातार देख रही थी, आज भी मुख्यमंत्री से पूछने का प्रयास किया हमारे संवाददाताओं ने, तो उनका आश्वासन आज अच्छा रहा, मुलाकात भी हुई, तो निश्चित रूप से आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षा में खुशियों की लहर है। बिल्कुल, तो क्या संदेश है उनको सभी को? और बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा कि इन खुशियों को किसी की नजर न लग जाए, उसके लिए जरूरी है कि हम सबको संयम पूर्ण दो तीन दिन, क्योंकि लगभग कल तक मध्य प्रदेश के सारे अतिथि शिक्षकों का जो लंबित मानदेय था मार्च अप्रैल का, वह भी लगभग हमारे खातों में कल तक सबके खातों में आ जाएगा। सो उस वह आर्थिक समस्या भी थोड़ा दूर हो जाएगी। अब रही बात इसकी है कि इन खुशियों को किसी की नजर न लगे, सो हमें अपनी वाणी और व्यवहार में पूर्ण रूप से संयम रखते हुए और 2 तारीख का इंतजार, 2 दिन बाद हम सबको भोपाल पहुंचना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय अतिथि शिक्षक संघ।